नमस्कार सत श्रीकाल जी। इस टाइम असीं पहुँच चुके हैं रायकोट। हाँ जी, रायकोट जिथे गुरद्वारा साहब है पातशाही दसवीं का टालियाना साहिब, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह का गुरद्वारा टालियाना साहब। आ जाओ, तुहानू गुरद्वारा साहब के दर्शन कराने जी। रायकोट पंजाब दे विच एक गुरद्वारा है जी, रायकोट दे विच टालियाना साहब। इस गुरद्वारे के दर्शन करो, अगे दरबार साहब बनया होया। ये गुरुद्वारा साहब की मेन एंट्री है और मेरे इधर खब्बे पासे छबील और जोड़ा घर साहब बनाया हुआ, और इस दूजे पासे नाल गुरु का लंगर चलता है इत्थे। और तुहानू इस गुरुद्वारा साहब का इतिहास तो जाणू करवाने आ। साडे नाल इत्थे संगतां जुड़ चुकियां ने। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। भाई हजिंदर सिंह जी, इस गुरुद्वारे का की इतिहास है, तुसी थोड़ा संगत नूं दसो। गुरद्वारा श्री टाहली साहब पातशाही दसवीं रायकोट लुधियाणा, यह गुरद्वारा लुधियाणा डिस्ट्रिक्ट में पैंदा जी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 1961 बिक्रमी जनवरी 1705 ईस्वी में अमृत वेले रायकोट के घने जंगल में टाहली हेठ आसन ला के इस धरती को पवित्र किया। दिन चढ़े रायकोट के चौधरी राय कले का चरवाहा नूरा माही मझा चारण आया तो गुरु जी ने नूरे नू दुध छकाउण वास्ते कहा। नूरे ने बेनती की कि महाराज, मझा तो अज सवेरे ही चो के आया हाँ, घरों दुध लैके आता हाँ। तो गुरु जी ने एक उस झोटी वाल इशारा करते हुए 288 छेकों वाला बर्तन गंगा सागर फड़ा के नूरे नू दुध चोण लई कहा। नूरे ने हुक्म मन के उस झोटी नू करौंदे दे बूटे नाल बन के दुध चोणा शुरू किया। तो नूरे की हैरानी की हद ना रही जदों उस झोटी ने दुध दिता तो 228 छेकों वाले बर्तन गंगा सागर विचों दुध भी ना डुलिया। नूरे ने यह सारी गल अपने मालक राय कले नूं दसी। राय कला उस वक्त गुरु पातशाह दे चरणी आ पिया। उसने गुरु जी ने बेनती की, महाराज कोई सेवा दसो। गुरु जी ने कहा कि असी सरहंद तो छोटे साहबजादियां ते माता जी की खबर मंगवानी है। राय कले ने यह कार्य नूरे नूं जल्दी करन अते वापस आउण लई भी कहा। माता जी और बच्चों बारे अपनी भैन नूरा तो दुख भरी सारी कहानी सुन दुखी मन नाल नूरे ने जदों सारी कहानी सतगुरां नूं सुनाई तो सतगुरां ने इस थान ते काही दा बूटा पुटते हुए कहा कि अज तुरक राज की जड़ पुट्टी गई। उस समय कोल बैठी सारी संगत चुप हो गई। बाद विच राय कले ने गुरु जी नूं बेनती की कि महाराज, असीं भी तुरक हाँ, साडे ते रहम करो। तो गुरु जी ने कहा कि चंगा भाई, तुसीं सेवा कीती है। राय कले नूं तलवार गंगा सागर ते रहल बख्श के फरमाया, जद तक सेवा पूजा करते रहोगे तुहाडा राज कायम रहेगा। ऐसा ही होया, जो तक सेवा पूजा करते रहे राज कायम रहा। गंगा सागर इनायत खां पाकिस्तान लै गए। गुरु जी ने इस स्थान 3 दिन 19, 20, 21 पूर्ण विश्राम किया। इत्थे 3 स्थान हैं दर्शन करने योग, गुरद्वारा श्री बूटा साहब, गुरद्वारा श्री मंजी साहब, गुरद्वारा श्री जड़ पुट्टी साहब। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। ये सन भाई हरजिंदर सिंह बैंस जिन्होंने गुरुद्वारा साहब का पूरा इतिहास तुहानू दस्या। हुण असीं अगे दरबार साहब के दर्शन करावांगे। आओ तुसीं दरबार साहब के दर्शन करो। इत्थे ये गंगा सागर का मॉडल बनया हुआ है। गंगा सागर जो असली है वह तो पाकिस्तान गया, और कई बार इत्थे संगतां नूं दर्शन कराया जांदा जदों इत्थे मेला हुंदा है तो गंगा सागर के दर्शन कराए जांदे ने। यह गंगा सागर का इत्थे मॉडल बनया हुआ है। आओ तुसी हुण गुरु घर दी इमारत देखो। दरबार साहब बहुत सोहना बन के तैयार होया हुआ, तो आओ तुहानूं अंदर दर्शन करवाने आ।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ I'm not afraid to die.